ट्राइग्लिसराइड होता है एलडीएल से भी ज्यादा खतरनाक। नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर दीपक प्रकाश। हिंदी हेल्थ केयर चैनल में आपका स्वागत है। हिंदी हेल्थ केयर चैनल के माध्यम से मैं हेल्थ से संबंधित तरह तरह की बीमारियों के बारे में जानकारियां देता हूं। मुझे विश्वास है कि इस तरह के मेरे वीडियो के माध्यम से आपका अच्छा खासा ज्ञानवर्धन होता होगा। एक बात और बता दूं कि आप किसी खास बीमारी के संबंध में यदि जानकारी चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें बताएं। आपकी समस्याओं तथा जिज्ञासाओं का समाधान करने की कोशिश करूंगा। आज के इस वीडियो के माध्यम से एक विशेष तरह के फैट ट्राइग्लिसराइड के संबंध में चर्चा करने जा रहा हूं। ऐसा हम समझते हैं कि कोलेस्ट्रॉल तथा ट्राइग्लिसराइड से अधिकतर लोग वाकिफ होंगे। सबसे पहले हम बता दें कि ट्राइग्लिसराइड रक्त में पाए जाने वाला एक ऐसा फैट है जो कोलेस्ट्रॉल की तरह दिल की ही नहीं अन्य दूसरी बीमारियों के लिए भी जिम्मेदार होता है। ये तो हुई ट्राइग्लिसराइड के बारे में सामान्य जानकारी। अब बात करते हैं कि इसका निर्माण कैसे होता है। तो इसके संबंध में बता दें कि जब भोजन के साथ एक्स्ट्रा कैलोरीज लेते हैं, यानी ऐसा फूड खाते हैं जिसमें कैलोरी की मात्रा सामान्य से ज़्यादा होती है और जिसका उपयोग यानी यूटिलाइजेशन शरीर तत्काल नहीं कर पाता है, तो वही एक्स्ट्रा कैलोरी ट्राइग्लिसराइड के रूप में लीवर में स्थित फैट सेल में जाकर जमा हो जाता है। एक बात और बता दें कि भविष्य में जब किसी कारणवश भोजन नहीं कर पाते हैं या उपवास कर रहे होते हैं तो लीवर के फैट सेल के अंदर जमा ट्राइग्लिसराइड के रूप में जमा यही एक्स्ट्रा कैलोरी का शरीर उपयोग करता है। इस तरह शरीर को एनर्जी मिलती रहती है। मजे की बात यह है कि यही ट्राइग्लिसराइड का लेवल जब खून में सामान्य से अत्यधिक ज्यादा हो जाता है तो कई तरह की बीमारियों का कारण बनता है। कई तरह की बीमारियों की बात करें तो इसमें हार्ट डिजीज, स्ट्रोक, पेनक्रियाटाइटिस, डायबिटीज आदि जैसे गंभीर तथा खतरनाक रोग शामिल हैं। इसके अतिरिक्त शरीर के विभिन्न हिस्सों में ट्राइग्लिसराइड फैट के रूप में जमा हो जाता है, जिससे मरीज का वजन तो बढ़ता ही है, वह मोटापा का भी शिकार हो सकता है। और वजन बढ़ने या मोटापा के शिकार होने की वजह से मोटापा संबंधित तरह तरह की बीमारियाँ होने की संभावना बनी रहती है। मुझे विश्वास है कि आपको अब तक समझ में आ गया होगा कि इसका निर्माण कैसे होता है और जब इसका लेवल बढ़ जाता है तो किन किन बीमारियों के होने की संभावना होती है। अब बात करते हैं कि किन किन कारणों से खून में ट्राइग्लिसराइड का लेवल बढ़ता है। तो यहाँ बता दें कि इसके कई कारण गिनाए जा सकते हैं। जैसे कई लोग बैलेंस डाइट की जगह अत्यधिक कैलोरी युक्त भोजन करते हैं, नतीजा यह होता है कि ऐसे लोग प्रतिदिन एक्स्ट्रा कैलोरी ग्रहण करते हैं जिसका उपयोग शरीर नहीं कर पाता है और वही एक्स्ट्रा कैलोरी लीवर में ट्राइग्लिसराइड के रूप में जमा हो जाता है, जो कि खतरनाक तथा जानलेवा बीमारियों का कारण बनता है। ये तो हुआ पहला कारण। ट्राइग्लिसराइड बढ़ने का दूसरा कारण भी भोजन से संबंधित है। कई लोगों का खाना खाने का तरीका ठीक नहीं होता है, खाने में किसी तरह का डिसिप्लिन मेंटेन नहीं करते हैं। नाश्ता कभी सुबह 8 बजे करेंगे तो कभी 10 बजे, कई बार तो नाश्ता ही मिस कर देते हैं। वही स्थिति दोपहर तथा रात के खाने के साथ रहती है। दोपहर में कभी 1 बजे खाना खाएंगे तो कभी 3 बजे, कई बार नाश्ते की तरह दोपहर का भोजन भी मिस कर देते हैं। रात के खाने का भी यही हाल रहता है, कभी 8 बजे खाएंगे तो कभी रात को 10 बजे तो कभी 11 बजे। ऐसे लोगों का ट्राइग्लिसराइड कभी भी कंट्रोल में नहीं रहता। इसके बढ़ने के तीसरे कारण में महिलाओं की बात करूं तो प्रेगनेंसी के दौरान ट्राइग्लिसराइड का लेवल बढ़ता है और डिलीवरी के बाद स्वतः घट जाता है। मेनोपॉज के बाद इसका लेवल भी बढ़ता रहता है। इसके बढ़ने का चौथा कारण जेनेटिक भी होता है। कई परिवारों में ऐसा देखा गया है कि घर के सभी बड़े लोगों का ट्राइग्लिसराइड हमेशा बढ़ा रहता है और लाख कोशिश के बाद भी कम होने का नाम नहीं लेता। इसका बढ़ना या घटना वजन पर भी निर्भर करता है। मोटापा के शिकार लोगों में ट्राइग्लिसराइड का स्तर काफी बढ़ जाता है। ऐसा भी देखा गया है कि उम्र बढ़ने के साथ ट्राइग्लिसराइड का लेवल ब्लड में बढ़ता रहता है। इसके अतिरिक्त कई मेडिकल कंडीशन है जैसे डायबिटीज या पेनक्रियाटाइटिस जैसी बीमारियों में भी ट्राइग्लिसराइड का स्तर काफी बढ़ जाता है। ये तो हुआ ट्राइग्लिसराइड बढ़ने का कारण, अर्थात इसका लेवल ब्लड में क्यों बढ़ता है। अब लगे हाथ इस बात की भी चर्चा कर ली जाए कि हाई ट्राइग्लिसराइड के कारण क्या क्या समस्याएं होती हैं या हो सकती हैं। जैसा कि मैं पहले ही कह चुका हूँ कि ट्राइग्लिसराइड
एलडीएल से भी खतरनाक है और हेल्थ संबंधित गंभीर समस्याओं के होने की संभावना ज्यादा रहती है और इससे हेल्थ संबंधित गंभीर समस्याएं होने की संभावना ज्यादा रहती है। हाई ट्राइग्लिसराइड के कारण हार्ट डिजीज तथा हार्ट अटैक की समस्या आए दिन देखने को मिलती है क्योंकि इसका डिपोजिशन हार्ट की आर्टरी की भीतरी दीवार में होता जाता है जो आगे चल के क्लॉट का रूप धारण कर लेता है और जिसके कारण इसकी नली छोटी होती जाती है और नली की छोटी होने के की वजह से पर्याप्त मात्रा में ब्लड का फ्लो नहीं हो पाता है और इस तरह से हार्ट अटैक की संभावना बनी रहती है। ट्राइग्लिसराइड के बढ़ने के कारण इसका जमाव शरीर के विभिन्न हिस्सों में होता जाता है और मरीज आगे चलकर ओबेसिटी का शिकार हो जाता है। हम जानते हैं कि मोटापा की वजह से मरीज धीरे धीरे कई बीमारियों की गिरफ्त में आ जाता है। इस प्रकार आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि ट्राइग्लिसराइड के बढ़ने से बहुत सारे हेल्थ संबंधित खतरे हैं यदि समय रहते इसको नियंत्रित नहीं किया जाए, खान पान पर कंट्रोल नहीं किया जाए तो कई गंभीर बीमारियों का सामना करना पड़ सकता है और कई बार यह जानलेवा भी साबित हो सकता है। अंत में यदि आपको मेरा यह वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ बगल के बेल आइकॉन को भी दबा दें ताकि आगे आने वाले नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सही समय पर मिल सके। धन्यवाद।